खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद से है, जहां बजरिया थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत के बाद परिजनों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर बामुश्किल मामला शांत कराया। जानकारी के मुताबिक कर्नलगंज निवासी रेखा नाम की महिला शादी विवाह में काम करती थी। इसी काम के सिलसिले में वह 29 अप्रैल को कानपुर से फतेहपुर गई हुई थी। सवेरे 11 बजे महिला जिला अस्पताल उसला में परिजनों को भर्ती होने की जानकारी मिली, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को घटना के बारे में बताया, लेकिन पुलिस ने मामला फतेहपुर में दर्ज कराने को कहकर टाल दिया। इसके बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने थाने का घेराव कर कार्रवाई न होने पर जमकर हंगामा काटा। सूचना पर ADCP SP समेत सर्किल की फोर्स मौके पर पहुंची और कई घंटे बाद परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। परिजनों का आरोप है कि श्याम गुप्ता शादी में काम करने के लिए लेने आए, जिसके बाद कानपुर से फतेहपुर ले गए। पड़ोसी संजय कनौजिया को फोन आया कि महिला का एक्सीडेंट हो गया है, जिसका इलाज उसला में चल रहा है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पलक सोनकर, क्या घटना हुई? मेरी मम्मी 29 तारीख को श्याम गुप्ता लेने आए थे घर पे कि सालक का काम है। मम्मी ने कहाँ पे काम है, तो उन्होंने कहा यहीं पास ही में है, लेकिन पास में नहीं था, फतेहपुर पे काम था। और जब मेरी मम्मी ने कहा कि 2 दिन का काम है, 2 दिन में आ जाएंगे, और जब हमने अपनी मम्मी को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। और फिर उसके बाद जब ये घटना हो गई है तो फ़ोन मेरे पास नहीं आया, फ़ोन आया था संजय के पास, मेरे घर के बगल में रहते हैं। उन्होंने हम लोग को खबर करी कि आपकी मम्मी के साथ ऐसा हो गया है, और मेरी मम्मी के साथ ये घटना फतेहपुर पर हुई है। और हमको नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी को मारने की कोशिश की गई है और वो हम लोग के बीच में है भी नहीं। तो बस हम इतना चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। बस हम लोग को सूचना ये शनिवार को 1 तारीख को मिली है, 1 तारीख को सुबह 11 बजे। क्या लगता है, क्या हो गया? हमें तो बस यही लगता है कि मेरी मारा गया है उनको। आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि उसने मारा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जितने हैं उसके साथ में सबको पकड़ा जाए। ये उनकी हालत देख के ही बता देते हैं, उनके साथ में रेप हुआ है। रेप हुआ है, तो हाथ में भी चोट आती है, उनके बस सर पे ही चोट आई है, और उनकी कान से यहाँ पर आंखें इतनी काली थी, और सर पे 3 जगह उनके ब्लड जम चुका है। चूड़ियाँ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और अगर एक्सीडेंट होता है तो इंसान के हाथ या पैर में चोट आती है, खरोच आती है रगड़ के, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ मेन शरीर पे उनके हुआ है। सर्वे सुनकर मैं इनका पड़ोसी हूँ। इनकी मम्मी कोई श्याम गुप्ता करके हैं, कैटरिंग के ठेकेदार, ठीक है। इनकी मम्मी को बृहस्पतिवार को लेकर के गए, वो बोले कि काम के लिए लिए जा रहा हूँ, काम के सिलसिले में, कैटरिंग के काम के लिए। और 2 दिन बाद उनका पड़ोस में इनके एक संजय दिवाकर जी करके रहते हैं, उनके पास फ़ोन आया कि आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब है या चोट लग गई है, जो भी है। उन्होंने अरसला में जा करके भर्ती करवा दिया। उर्सला में जा करके परिजन और हम लोग सब मोहल्ले वालों ने देखा कि उनकी आँख के ऊपर चोट का निशान है और कान से, दोनों कान से ब्लड आ रहा है, ठीक है। और वो बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में खरोचे आती है, सब कुछ आती है, ठीक है। उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है और उनको बुरी तरह, जब उन्होंने मना किया है तो उनके, उनको मारा पीटा गया है बुरी तरह से, उनको, उनके ब्रेन हेमरेज हो गया है। इनके पड़ोस में संजय दिवाकर करके हैं, उनके जान पहचान वाले थे, उनके पास फ़ोन आया है कि इनकी माता जी की कंडीशन ख़राब है। भैया हम लोग न्याय चाहते हैं, जो उनके साथ संजय, जो गुप्ता जी हैं उनके साथ जितने लोग भी उसमें सम्मिलित हों, उनको सजा मिले। थाना बजरिया क्षेत्र में 112 की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की मृत्यु हो गई है, इस पर तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी हमें तहरीर प्राप्त नहीं हुई, तहरीर प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।